जी ऐसा मौसम है ना, इसमें हमारे यहाँ बोलते हैं कि सियार की शादी हो रही है। विदाई भी होने लग गई हो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज मौसम काफ़ी बढ़िया है, मतलब बादल तो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, लगता है आज मौसम सही रहेगा तो अच्छी बात है। थोड़ा ठंड तो कम होगी, नहीं तो कुछ दिनों से तो मौसम खराब ही चल रहा है। अभी हम तैयारी कर रहे हैं नए वाले घर पे काम पे जाने की, और पता आज क्या हो गया, ना तो मेरा फोन है पूरा चार्ज और ना ही पावर बैंक, कुछ भी चार्ज नहीं है और लाइट भी नहीं है। आज पता नहीं क्या हो गया। आजकल सर्दियाँ इतनी हैं कि धूप पे ज़्यादा तेज तो रहती है नहीं, फिर कपड़े भी सूखते नहीं, तो कपड़े यहाँ पे अगर रात को छूट गए ना फिर पाला पड़ जाता है। और ये देखिए लंगूरों का आतंक पीछे पेड़ों पे लगे हुए हैं, पूरा पेड़ हिला देते हैं तो ढंग से। मुझे तो लगा था कि आज प्लाईवुड और ये सारा सामान आएगा, लेकिन आया नहीं, वो शायद कल आएगा। तो देखते हैं, अगर कल आएगा तो कल क्या पता खुद हमें ही ले जाना पड़े वो घर तक, या फिर किसी को बोल देंगे वहाँ पे, क्योंकि कम से कम 30-40 प्लाई तो आएंगी शायद। और यहाँ आते ही सामने का नज़ारा तो गजब का दिखाई देता है। बस आप इंजॉय कीजिए इन नज़ारों को मेरी वीडियोस के माध्यम से। हम आपको पहाड़ों से ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखाते रहेंगे। और अभी यहाँ मनसुना से हमको एक कट्टा सीमेंट का भी रखना है, तो आगे है सीमेंट की दुकान, तो यहाँ से ले जाना है हमको एक सीमेंट का कट्टा। मैं ये वाला काम खुद क्यों करता हूँ, इससे मेरे को दो फायदे हैं। एक तो एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा साफ सीधी बात है पैसे बच जाते हैं। हो और एक मेन रीज़न यह है कि हम ना एक बारी में एक कट्टा ले आ रहे हैं, अगर दो ले आते तो खच्चर बनाने के लिए हो जाता। हालत तो भी ख़राब और ठंडे मौसम में भी पसीना आ रहा है, आज इस सेम हालत है। और सामने के पहाड़ तो गजब के दिख रहे हैं, ये थकान उतर जाती है नज़ारे देख के। चलो जी, कल मौसम ने हमारा साथ दिया, बारिश नहीं लगी नहीं तो सारा कुछ बह जाता है। और आज के दिन पे हमको यहाँ पे एक सीढ़ी बनानी है, जो सीढ़ी आगे बनाई थी ना वही सेम इस साइड भी बनानी है, ये छोड़ा हुआ था उस टाइम का, क्योंकि यहाँ पठालियाँ लगनी बाकी थी। अब पठालियाँ भी लग गई हैं तो आज इस काम को निपटा देते हैं, इसीलिए हम ये सीमेंट का कट्टा यहाँ तक ले आए हैं। अब सीमेंट का काम होना है तो पानी भी चाहिए, आज मैं पानी का कुछ और जुगाड़ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ये पाइप है हम पे, जिसका कि आगे से कुछ ऐसे टूटा हुआ है, इसको यहाँ वाश बेसिन पे ऐसे रख लेते हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे बाल्टी, ये देखिए, अब देखते हैं ये जुगाड़ काम करता है या नहीं। तो यहाँ से हम जैसे ऑन करेंगे तो वहाँ पे बाल्टी भर जाएगी, तो ऐसा कुछ जुगाड़ है। डेली डेली ऊपर टैंक से पानी लगाना भी ठीक नहीं है, और यहाँ पे कोई हमने ऐसे टोंटी अभी छोड़ी नहीं है जिससे हम पाइप कनेक्ट करके सीमेंट तक ले जाएँ, तो ऐसे में पानी भरता रहेगा। तो पहले यहाँ पे एक बार फ्रेम बना देते हैं सीढ़ी डालने के लिए। चलो जी, यहाँ पे सीढ़ी भी लग चुकी है, और अब जो ये मसाला हल्का सा बचा हुआ है वो हम यहाँ खोले के किनारे में लगा देंगे, जहाँ पे पठालियों के बीच गैप बना हुआ है, ताकि ये वाला जुगाड़ भी बहुत काम आया आज, इसने पता नहीं कितनी बाल्टियाँ पानी भर दी तब से। आज का आधा काम भी कंप्लीट हो चुका है, अब ज़रा चाय पी लेते हैं, लेकिन एक गड़बड़ होगी, फ़ोन की बैटरी होगी कम और लाइट अभी तक नहीं आई। सोचिए, गोप्रो से ब्लॉग बनाने में मज़ा नहीं आता उतना, सिर्फ टाइम लैप्स के लिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो अगला स्टेप हमारा ये है, जो भी ऐसे सीमेंट बचा हुआ है इसको ऐसे पठालियों के बीच जो गैपिंग है उसमें भर देंगे, जैसे यहाँ साइड से है यहाँ है। और काम करते हुए ये देखिए, हमारी एक मंजिला टूट गया, इसको करनी बोलते हैं वो मिस्त्री लोग, तो करनी बोल लेते, इसका एक टुकड़ा ही है यहाँ पे, बताइए हल्का सा टूटा हुआ था ना, अब ऐसे इसी से काम चलाना पड़ेगा। माँ और प्रीति भी आ गए हैं खेतों में काम करने के लिए, गोबर डालने हैं गांव में किसी की गौशाला से अपने खेतों में। तो ऐसे ही होता है, जैसे हमारे खेत इधर हैं और गौशाला इधर नहीं है,
तो हम गांव से किसी से मांग लेते हैं। अगर उनके खेत उस साइड होंगे हमारे घर के साइड, तो वहाँ हमारी गौशाला से वो गोबर वहाँ डाल देते हैं। तो इतना देखो, ये लदियोल वाला मतलब जो गीला गोबर रहता है ना, बहुत भारी होता है, लगे हैं डालने में। शाबाश प्रीति, शाबाश शाबाश शाबाश, लगे रहो काम पे, साथ में ब्लॉगिंग भी। सुनने में आया है कि लाइट आज नहीं आ सकती है, धारी देवी के पास में कहीं कनेक्शन टूटा हुआ है लाइट का, तो मेरा फ़ोन तो चार्ज है नहीं, शायद ब्लॉग शूट नहीं हो पाएगा। गोप्रो से देखता हूँ कितना शूट हो पाता है। और अभी हमारा जो काम था आज का, सीमेंट का कंप्लीट हो चुका है। अब हमें खोदे के नीचे जो पाइप हमने लगा रखे हैं उन पर तार बांध देने, वो टाइट से चिपका देने हैं, मतलब दीवार पर। सुबह से अब आई लाइट और मैंने तो फ़ोन चार्ज पे लगा लिया, 6% हो गया था, बड़ी मुश्किल है। अब पता आज ही मेरा पावर बैंक हो गया, दोनों पावर बैंक जीरो हो रखे थे, पता नहीं क्या हो गया था। तो जो काम हमने सुबह के टाइम किया उसको अभी हमने ढका दिया है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। अब आपको मौसम दिखा देता हूँ, यहाँ बिल्कुल धूप लगी है। सामने चौकम्बा पर्वत के आसपास देखिए, वहाँ बर्फबारी हो रही है। सामने इस वाली धार पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है अभी। अब हम भी तैयारी करते हैं घर को जाने की, आज का सारा काम हमने निपटा दिया है। प्रीति लोग भी अभी अभी जा रहे हैं घर को, तो जल्दी जाके हमको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि खाना तो अभी बना नहीं होगा, तो जितना छोटा मोटा काम है उसको निपटा देते हैं। बड़ी मुश्किल से लाइट आई, अभी चार्ज पर लगा दिया है फ़ोन। और पहाड़ों का मौसम देखिए, पल पल में बदलता रहता है, कितना प्यारा सा माहौल हो गया है। यहाँ धूप है जबकि यहाँ बारिश है, उधर जबकि बादल हैं वहाँ बारिश है ही नहीं। जो ऐसा मौसम है ना, इसमें हमारे यहाँ बोलते हैं कि सियार की शादी हो रही है, जब बारिश भी लग रही हो और धूप भी लगी हो। तो ये बोलते हैं पुराने जमाने के लोग, खैर देखा तो किसी ने नहीं होगा, बस बोलने की बातें हैं, लेकिन कुछ कुछ बोलने की बातों में मज़ा आता है। ऐसे में सियार की शादी हो रही है, बस हमारे यहाँ हो रही है, मतलब सामने वाले जहाँ धूप नहीं है वहाँ वालों को नहीं हो रही है। विदाई भी होने लग गई हो। और 20 मिनट के बाद मौसम देखिए, अभी बारिश लग रही थी और अभी यहाँ से बिल्कुल साफ हो गया है मौसम। बस वहाँ तिरजुकी नारायण साइड से थोड़ा सा बर्फबारी हो रही है, इस साइड से देखिए बिल्कुल नीला नीला हो गया आसमान। अच्छी बात है, हमें उस साइड ही अच्छा चाहिए, क्योंकि आज हमने सीमेंट का काम करा है। शाम होते ही हमारा काम रहता है घर में पानी ले आना, और अभी अभी मैंने मिस्त्री को फ़ोन करा है, तो बोल रहे थे कि कल तक जो प्लाईवुड हैं ये सब चीज़ें मनसूना तक पहुँच जाएंगी। तो देखते हैं, अगर कल कोई सामान ले जाने वाला मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमको ही रोड से ऊपर घर तक वो सारी प्लाईवुड और वो सारा सामान ले जाना पड़ेगा। बाकी पापा जी यहाँ पर आए हुए हैं पानी और अपने कपड़े कपड़े धोने के लिए जो भी है। तो यहाँ पे टाइम लैप्स भी लगा दिया है, और घर में ढेर सारे बर्तनों पे पानी भी ले आए हैं। प्रीति गई थी पानी लेने, मैंने प्रीति को गौशाला जाने दिया, फिर आराम से गया और सारे बर्तन ऊपर ले आए, सिर्फ एक छोटी सी बाल्टी छोड़ी वहाँ पे। कभी कभी खुद भी काम कर लेता हूँ मैं, और ऐसा कुछ सीन है। और पानी ले आना ना मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक्सरसाइज बनी रहती है।